बेमेतरा जिले के ग्रामीण ने ट्रांसफार्मर नहीं मिलने से परेशान होकर कलेक्टर से की शिकायत। पूरा मामला बेरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सिंगराडी गांव का है, जहां का ट्रांसफार्मर पिछले 25 दिनों से खराब है, जिसके चलते बिजली की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। पीने के पानी के साथ ही खेतों के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते उनकी फसलें खराब हो रही है। किसानों का कहना है कि इसको लेकर वह बिजली विभाग के कई बार चक्कर लगा चुके हैं। बिजली विभाग के द्वारा जो ट्रांसफार्मर दिया जाता है वह लगाते ही खराब हो जाता है, क्योंकि विभाग के द्वारा उन्हें पुराना और खराब ट्रांसफार्मर दिया जाता है, जिसके चलते लगते ही वह ट्रांसफार्मर फिर से उड़ जाता है और अधिकारी उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते उनके गांव में पीने के पानी की समस्या के साथ ही सबसे बड़ी समस्या धान खराब होने को लेकर है। दरअसल किसानों का कहना है कि समय पर पानी अगर नहीं मिल पाया तो उनकी फसलें पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इसी बात को लेकर वह कलेक्टर के पास गुहार लगाने पहुंचे हैं। वहीं कलेक्टर ने कहा है इसको लेकर वह विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किए हैं और कहा है कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। जी कहां से हैं? सिंगारडी। कैसे आना हुआ कलेक्टर? जी ट्रांसफार्मर जो खराब हो गया है, 25 दिन से हम लोग लगातार घूम रहे हैं और दिए भी है तो तुरंत खराब हो जाता है ऐसे वाला, तो इसलिए हम लोग कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि हमको ट्रांसफार्मर दिलाया जाए अच्छे से। मैं आपका राजेंद्र जी बोल रहा हूँ। कैसे आना हुआ कलेक्टर? हाँ कलेक्टर ऑफिस इसलिए आए सर कि बार बार जा रहे हैं बिजली ऑफिस पर, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे सर, ट्रांसफार्मर खराब हो गया और देते हैं वहाँ काम नहीं कर रहे सर। उससे क्या परेशानी हो रही फसल? अब फसल नुकसान हो रहा है सर जी, आज महीना दिन से है ना, तो फसल तो पूरी बर्बाद हो रहा है, इसीलिए आए कलेक्टर ऑफिस अपने दुख पीड़ा सुनाएंगे करके सर। भैया ये किसानों के जो है वो ट्रांसफार्मर को लेकर किसान जो आए थे बेरला ब्लॉक, इसको क्या बोला? किसानों ने आज मुझसे मुलाकात की है और DCACB को समक्ष बुला करके ये निर्देश दिया गया है कि 3 दिवस के अंदर में समस्या का समाधान करें। उन्होंने निराकरण के लिए 7 दिन का वक्त मांगा है, तो अधिकतम 7 दिन के अंदर पे इन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।